अगर हमारे लिमिट में ट्रेंडिंग वैल्यू डालते ही 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म जनरेट हो जाए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज करिए इस तरह का हमें फॉर्मेट दिया होगा, हम क्या करेंगे कि इस ट्रेंडिंग वैल्यू को जब फंक्शन में डालेंगे, अगर 1 आ जाए ठीक, और अगर हम इस जी एक्स में डालें इनफाइनाइट आ जाए, इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे लिमिट की वैल्यू 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? ये इस पूरे फंक्शन को इस तरीके से लिख देंगे, e टू द पावर लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है। इसका यूज करके इसको आराम से सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ जीरो डाला इस एफ एक्स के जगह पे, तो यहाँ 1 मिल रहा था और यहाँ जीरो डाला तो इनफाइनाइट मिल रहा था, मतलब 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ रहा था। तो आइए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? e टू द पावर लिमिट क्या इस fx में से एक कम कर देंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे इस gx को, और किस पे कर रहे हैं? एट x टेंडिंग टू जीरो। अब बताइए, एक से एक कैंसिल, इस x से x कैंसिल, आंसर क्या आ गया इसका? e टू द पावर 1 मतलब e आ गया। आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए, इस जीरो डाले cos x में 1 आ गया। यहां पर जैसे ही हम जीरो डाले, जो है sin 0 0 होता है, cos x बराबर 1/sin होता है, तो 1/0 मींस इनफाइनाइट। यहां डाल रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? e टू द पावर लिमिट ऑफ इस एफ एक्स में से एक घटा देंगे, मींस cos x माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस cosec स्क्वायर का, अगर हम इस cosec को नीचे ले जाएं sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और एट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अगर हम यहां से माइनस बाहर ले लें, यहां से हम माइनस बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x, ठीक है। अगर हम यहां से बाहर ले लें माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं बता रहे हैं? अब यहां पे ये साइन स्क्वायर x है, आपको पता है साइन x, अगर लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x करें, मीन्स जो साइन के अंदर है वही अगर नीचे हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो वैसे यहां पर ये क्या है? साइन स्क्वायर x है। तो अगर मैं x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अगर ये नहीं आता है, आप हमारे लिमिट वाले लेक्चर को जाकर देख लीजिए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। यहां पर क्या हो जाएगी? 1/2, तो माइनस 1/2, एक पावर माइनस 1/2, ठीक। वैसे यहां पर देखिए, इस जीरो को डालें जो है, तो यहां 1 और यहां इनफाइनाइट, क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। e टू द पावर लिमिट इस एफ एक्स में से एक कम कर देंगे, तो 1 प्लस साइन 2x में से एक घटा देंगे, इंटू जी एक्स कर देंगे, ठीक, x टेंडिंग टू जीरो। ये देखिए कट गए। अब यहां पर 2x है, अगर नीचे भी 2x होता जो है, तो इस पूरे लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती, मीन्स साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मेट आ जाता। हम क्या करेंगे? 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, और यहां बचा 2, मीन्स ये क्या आ गया? e स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से जो है, आप इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट जो है लिमिट का निकाल सकते हैं।